बिहार के शहर सिवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर आरिफ जमाल का कल 23 दिसंबर की रात को नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। दराए के मुताबिक मजलिस के लीडर आरिफ अपनी फास्ट फूड की दुकान में थे, तभी वहां कुछ नामालूम हमलावर पहुंचे और फायरिंग कर दी, जिसमें आरिफ शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उनकी मौत हो जाने की तस्दीक की। सरेआम हुई इस फायरिंग के बाद जाए वारदात पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की थी और इस दौरान एक गोली मजलिस लीडर आरिफ जमाल के पेट में लगी। बिहार MIM सदर अख्तरुल ईमान ने बयान जारी करते हुए पुलिस से इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कल रात 8:30 बजे तकरीबन सिवान शहर में MIM के एक मजबूत वर्कर, जो पहले वहाँ के पूर्व संयोजक भी रहे और शुरू दिन से MIM से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े साले फितरत के एक नौजवान और सामाजिक कारकुन आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है। उसके सीने पे गोली दागी गई है। ये बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आया ये कोई सियासी अदावत या दुश्मनी है या सामाजिक तनाव? पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के जिम्मेदार अमला अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने SP से बात करने की कोशिश की, नाकाम रहा। मैंने DM सिवान से गुजारिश की है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कराई जाए। हम अपने तमाम तरह MIM के वर्करों से मरहूम की मगफरत की दुआ की गुजारिश करते हैं, संयम बरतने की बात कहते हैं और अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं। और एक बड़ा सवाल है कि MIM के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के प्रशासन पर। हम उनकी शहादत पर गमगीन हैं। हम मरहूम की मगफरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान के सब्र जमील की भी दुआ करते हैं। और इस लड़ाई को हम सबको मजबूती से लड़ना है ताकि जालिम कातिल का पता लगे, कातिल को सज़ा मिले। ये हुकूमत की बिहार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की अव्वलिन जिम्मेदारी है कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे, कत्ल के असबाब तलाश करे और MIM के जहाँ वर्कर हैं उसको तहफ़ुज़ देने का काम करे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उमरा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में हरम से खरीद स्टार लग्जरी होटल्स में ख्याम। 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत, वो तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारत। उमरा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।